बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जहां भी हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बड़े मजे का वीडियो है। अभी तक मैंने देखा नहीं है मगर श्याम शर्मा के वीडियो जो होते हैं वो अच्छे होते हैं और आपको पता है मैंने चंद वीडियो ऐसे दिखाए हैं जिसमें रोना धोना भी काफी चल रहा है। यू नो स्टिल राम मंदिर के ऊपर अभी तक जो है ना रोना धोना ही चल रहा है। सो एनीवेज मैं देखना चाहती हूँ ये किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं और कौन ये किन लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं जो रो रहे हैं धो रहे हैं। दूसरे वीडियोस में हमने देखा कि यू नो एवरीवन इज कवरिंग डिफरेंट पीपल और उनका रोना धोना, जैसे कि लास्ट वीडियो में मेजर गौरव आर्या ने बोला था ना कि उन्होंने प्रोफेशनल रोने वाले बुलाए हैं। क्या बोला था, रोंदू बुलाए हैं, कौन बुलाए, हायर किए हैं। सो एनीवेज आज का जो ये वीडियो है ये श्याम शर्मा का है, उनका चैनल कौन नहीं जानता है, तो लेट्स गो वॉच दिस वीडियो। मगर वीडियो पे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। एक समय पर लोग कहा करते थे मंदिर वही बनाएंगे, हम कहते जी कब बनाओगे, कहते ठीक नहीं बताएंगे। मंदिर वही बनाएंगे, सोच के बोलिएगा, देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के नहीं बताएंगे। मंदिर यही बनेगा, मंदिर आज देखिए क्या हो गया। चले तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक बार फिर बता दें, अयोध्या में बनेगा राम मंदिर। प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के वीडियो में हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी से रिलेटेड सबसे तीखे और गर्मा गर्म मेल्टडाउन्स और हॉट टेक्स को देखेंगे और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे राम मंदिर ने और हिंदुत्व मूवमेंट ने रेड कपड़े पहन के बैठे और पूरे देश में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई है। हेलो हेलो, और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम और जय श्री राम। अब आप सोच रहे होंगे कि शाम ये क्या है तेरे सर पे यार, थोड़ा सबर करो, दो सेकंड है अभी बताता हूँ। तो जिस दिन का हमारे देश को हमारे सिविलाइजेशन को 500 साल तक का इंतजार था वो दिन फाइनली आया। रामलला का 500 साल का वनवास खत्म हुआ और राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। भगवान श्री राम की उस मूर्ति में जो इस वक्त कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे। अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण, आज हमारे राम आ गए। पूरे भारत में और इनफैक्ट पूरी दुनिया में राम भक्त सेलिब्रेट कर रहे थे इस मोमेंट को। मुंबई के मलाड में भी अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है, देश की तमाम जगहों पर नजर आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी थी उसको भी भारत के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने अटेंड किया, चाहे वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो, अमिताभ बच्चन हो, रजनीकांत हो, रामचरण हो, सोनू निगम हो, अनुपम खेर हो, चिरंजीवी हो, एक्टर्स के साथ साथ हमारे बड़े बड़े एथलीट्स ने भी भाग लिया। It's a wonderful occasion, very divine occasion. देश के सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी इसे अटेंड किया और इस प्राण प्रतिष्ठा की तारीफ की। पहले तो जय श्री राम, वेरी वेरी प्रिविलेज्ड टू विटनेस द न्यू एज ऑफ इंडिया। वैसे तो इनविटेशन हमें भी आया था मगर वीजा नहीं मिला, इस वजह से मैं जा नहीं सकी। आपने देखा नहीं मेरा शॉर्ट, जरूर जाके देखना। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना सुंदर रहेगा, इतना बेहतरीन रहेगा। लेकिन देखिए लाइफ में दो चीजें पक्की हैं, नेहा कक्कड़ का गाना सुनने के बाद आपके कान में ट्यूबरकुलोसिस होना और भारत की सिविलाइजेशन में कुछ भी जब अच्छा होता है तो उसके बाद न्यूक्लियर लेवल के मेल्टडाउन्स होना। तो आज मैं आपको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कुछ सबसे न्यूक्लियर, सबसे गर्मा गर्म और सबसे तीखे मेल्टडाउन्स और हॉट टेक्स दिखाने वाला हूं। लेकिन शुरू करने के पहले देखिए ये मेल्टडाउन्स जो है बहुत ही गर्म और रेडियो एक्टिव होने वाला है, तो उसके लिए सही गियर होना जरूरी है। इसलिए प्रेजेंटिंग
लेट अस बिगिन। पहले देखिए इंटरनेशनल मेल्टडाउन से शुरू करते हैं। जर्मन गवर्नमेंट के फंडेड न्यूज आउटलेट्स देखिए क्या कह रहे हैं। दिस न्यूज़ इंटरनेशनल इज स्टिरिंग अप कम्युनल टेंशंस इन इंडिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि राम मंदिर बनने से नेहरू जी का सेक्युलर मंदिर गिर गया। अरे भैया बाबरी मस्जिद को मंदिर मत बोलो, विशेष समुदाय के कुछ लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स बोलता है कि भारत में हिंदू नेशनलिज्म भारत की इकोनॉमिक ड्रीम्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अरे भैया तो हिंदू नेशनलिज्म के साथ ये क्या चल रहा है। इंडिया इज सेट टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी। इंडिया which is set to grow more than 6% this year, that's more than any other major economy. Indian economy continues to be the cynosure of all eyes. India to retain its position as the world's fastest growing major economy this year. India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically. Ek madam to kuch zyada hi aage nikal gayi. Puchne lagi ki yaar koi aise Indian Muslims hain jo hindutva ki wajah se Bharat chhodkar bhag rahe hain. Are madam kahan yahan wahan sawal puchti hui ghoom rahi hain, main batata hu. एक एग्जाम्पल है हमारे पास, दाऊद इब्राहिम नाम है उनका। बेचारे हिंदुत्व में बहुत प्रोसिक्यूट हुए और उनको भागकर कराची जाकर रहना पड़ा। आप चाहे तो वहाँ पर जाकर उनसे बात कर सकती हैं। टाइम मैगजीन कहता है राम मंदिर से हिंदू सुप्रीमेसी दिखाई जाती है। अच्छा तो 5 एकड़ पे जो ये मस्जिद बनने वाला है उससे क्या दिखाया जाएगा। वैसे टाइम मैगजीन के बारे में क्या बोलना, टाइम मैगजीन ने तो यार हिटलर को पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया था। कसम से 500 साल पहले अगर टाइम मैगजीन होती ना तो औरंगजेब और बाबर को भी पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर देते साले। यार आप लोगों की मस्जिद तो यहाँ पे आप देखो, इंग्लैंड में देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में हर ब्लॉक पे एक मस्जिद आपकी बनी हुई है, हर बेसमेंट में एक मस्जिद बनी हुई है, हर कदम पे तो आपकी मस्जिदें ही मस्जिदें। इसका क्या मतलब हुआ, इससे मतलब क्या हुआ, लाइक समझ में नहीं आता है मेरे को नहीं समझ में आता कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं भाई। कर लो पहले। बाकी और मीडिया का भी मेल्टडाउन हो रहा है, बहुत दुखी हो रहे हैं कि भारत में जो डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, उसे खत्म किया जा रहा है। एक अमेरिकन कमेंटेटर ने कहा कि ये हिंदू सुप्रीमेसी देखिए कि एक मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। तो चाचा आधी कहानी क्यों बता रहे हो, पूरी कहानी बताओ ना यार, मस्जिद के पहले वहाँ पे क्या था। ये तो वही बात हुई कि मैं बोल रहा हूँ कि अमेरिकन्स ने 1776 में कुछ बेचारे अंग्रेजों को पेलना शुरू कर दिया और जबरदस्ती बिना किसी कारण के एक नया देश बना दिया। क्यों किया अमेरिकन्स ने ऐसा, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। या फिर मैं आपको शोले फिल्म का सिर्फ क्लाइमैक्स दिखाऊं और दिखाऊं कि एक एक्स पुलिस ऑफिसर बेचारे हार्ड वर्किंग गब्बर को जबरदस्ती इतनी बेरहमी से मार रहा है। फिर अगर इंटरनेशनल मेल्टडाउन हो ही रहा है, पड़ोसी मुल्क को हम कैसे इंक्लूड ना करें। पड़ोसी मुल्क ने भी इस राम मंदिर को कंडेम किया है। भैया मैं उनसे क्या बोलूं, उनसे बात करने के लिए तो मोदी जी ही काफी है। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता, तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को, मेरा दिमाग खराब मत कर। अबे पाकिस्तान जैसे भिखारी देश के भारत में क्या हो रहा है उससे ऑब्जेक्ट करने से क्या फर्क पड़ता है यार। ये तो वही बात हुई कि मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। यार अभी ना ये वीडियो बनाने से पहले ही ना मैं एक स्पेस होस्ट कर रही थी और उसमें यही बातें हो रही थी इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर, तो कंपैरिजन करने आ गए थे एक पाकिस्तानी साहब है, वो कंपैरिजन करते, उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच दी उन्होंने। उसके बाद मैंने उनसे जब सवाल पूछा तो आप देखो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, जब पाकिस्तानी लोग आकर इंडिया के साथ कंपेरिजन करते हैं, पहली बात तो आपकी पॉपुलेशन उतनी नहीं है। जब आपकी पॉपुलेशन उतनी हो जाएगी तब आप शायद उसके साथ कंपेयर कर सकते हो, आपकी ग्रोथ उतनी नहीं है। अगर मैंने कहा कि इंडिया को कंपेयर करना है तो आप चाइना के साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी उतनी है, उनकी ग्रोथ भी उतनी हो रही है, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो, तो बात बनती है। आपकी चुनना सा मुल्क ठीक है ना, आपके जितने मुसलमान जो है, मैंने यही कहा, इंडिया में रहते हैं उससे कम है पाकिस्तान में, सो आप कंपेयर किस चीज से कर रहे हो, like what are you comparing to, apple and oranges। so मैं अगर इंडिया होती और पाकिस्तान कोई और होती, you know बोल रहा होता मेरे बारे में, तो मैं तो परवाह ही नहीं करती, like what does it matter, actions speak louder than words। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के बीच में शादी कैसे हो सकती है, I object, रोको ये शादी। अबे उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या बोल रहा हूँ यार, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। इंटरनेशनल मेल्टडाउन्स के बाद बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब के जो लवर्स हैं, उनका जो मेल्टडाउन हुआ है राम मंदिर के ऊपर। इन लोगों को अचानक से देश में एजुकेशन की बड़ी चिंता होने लगी कि राम मंदिर बनेगा तो एजुकेशन कैसे होगी। मैं क्या रिस्पांस दूं उनका, एक भाई ने मेरे से भी अच्छा रिस्पांस दे दिया है कि भाई तेरे टाइम पे तो कोई राम मंदिर नहीं था, ना कोई इनॉग्रेशन हुआ था, स्कूल्स भी खुले थे, फिर इतना गवार कैसे पैदा हो गया तू। और जहां तक एजुकेशन का सवाल उठाया है तो इस सवाल का जवाब इंडियाज रिचेस्ट मैन अंबानी जी ने बड़े अच्छे से दे दिया, ये देखिए।
फातिमा खान जी कहती है कि इस देश का एजुकेशन बर्बाद हो गया है। राम के नाम पर डांस हो रहा है स्कूलों में, लेकिन हिजाब और बुरका नहीं पहनने दिया जाता लड़कियों को। वैसे तो मैडम आपके जो माई बाप हैं अरब कंट्रीज और कई दूसरी मुस्लिम कंट्रीज, वहां पर भी हिजाब और बुरका स्कूल्स में बैन हो चुका है, लेकिन सवाल आपको सिर्फ काफिरों से उठाना है, क्योंकि अपने माए बाप से सवाल तो आप उठा नहीं सकते। एक और मैडम कहती है कि राम भक्त जो है वो ट्विटर पे बहुत गालियां देते हैं यार, ये लोग किस मुंह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखने जाएंगे? किस मुंह से? अरे इसी मुंह से जाएंगे बहन। फिर एक मैडम को प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे गाजा की बड़ी याद आ रही है। बकवास में हम सबको फंसाया गया है, पूरे मुल्क को। आप सोचिए वहाँ एक बड़ा सा युद्ध हो रहा है गाजा में, दुनिया बदल रही है, हम राम मंदिर अयोध्या सब जाके मार्केट देख रहे हैं, टीवी खबर वगैरह सब गई, हम मजाक बन रहे हैं। इन लोगों का मैं क्या बोलूं यार, इनके घर पे शादी भी हो रही होगी ना तो ये गाजा के बारे में ही सोच रहे होंगे, इनकी बेटी की शादी हो रही होगी तो जाके अपने दामाद को थप्पड़ मारेंगे। वे साले गाजा में इतने लोग मर रहे हो तू यहाँ अपनी शादी में नाच रहा है, ये शर्म कहीं के। उसके बाद कुछ लोगों का मेल्टडाउन हुआ एनआरआई के ऊपर कि भाई एनआरआई लोग जो हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो राम मंदिर पे इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं। अच्छा ये मैडम जो है जो आज एनआरआई को गालियां दे रही है, ये वही मैडम है जो पिछले दो महीने से पैलेस्टाइन के लिए लगातार विधवा विलाप कर रही थी, और जहां तक मुझे याद है ये मैडम पैलेस्टाइन में तो रहती नहीं है। ये क्या तुकबंदी है, जितने पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मुझे यहाँ पे ट्विटर पे यूट्यूब पे जहाँ भी मिलते हैं यार, दे आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी, वो तो हर वक्त पाकिस्तान का झंडा लेके घूम रहे होते हैं, हालांकि रहना किसी नहीं है पाकिस्तान में। आप जानेंगे जितने भी मुझे ज्यादातर पाकिस्तानी मिले, मैं भी 1-2% छोड़कर, वो सब हर वक्त पाकिस्तान के नारे लगा रहे होते हैं। यार पाकिस्तान ने इतना आपको दिया तो वहां जाके रहो ना, यहाँ क्यों रह रहे हो? आई डोंट गेट इट। ये बस भारत को पैलेस्टाइन बनाना चाहती हैं। फिर एक और नए तरह का मेल्टडाउन आया है कि भाई क्या ये राम मंदिर हमको पैंडेमिक से बचा लेगा? लॉर्ड राम्स मंदिर हैज बीन बिल्ट, ही इज बैक इन अयोध्या, एंड नाउ व्हेन द पैंडेमिक हिट्स अगेन, बिकॉज़ इट विल, ही विल प्रोटेक्ट अस ऑल, ही विल गिव अस ऑक्सीजन एंड मेडिसिन एंड एजुकेशन टू कॉम्बैट। अच्छा यही देश है, यही गवर्नमेंट है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज कर रही है, लेकिन जिसने पैंडेमिक में पूरे देश को वैक्सीनेट करवाया था, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम अचीव किया था, यही देश है जो राम मंदिर की पूजा भी करता है और उसने पोलियो को इरेडिकेट भी किया, यही देश है जो राम मंदिर की पूजा भी करता है और हर घर में टॉयलेट भी बनवाया है हाइजीन के लिए, यही देश है जो राम मंदिर की पूजा भी करता है और आज भारत के हर एक घर में पानी लाने का काम कर रहा है और उसमें सक्सेसफुल भी हो रहा है। तो राम मंदिर की पूजा करने के साथ साथ देश के जो सबसे बड़े स्ट्रगल्स हैं, ये गवर्नमेंट और ये देश उनको आज सॉल्व कर रही है, जबकि ये जो मैडम कंप्लेन कर रही हैं, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रगल ये है कि उनको ये डिसाइड करना है कि कल वो नॉन बाइनरी होने वाली है कि लेस्बियन होने वाली है। और जब इंटरनेशनल मीडिया का मेल्टडाउन देख लिया तो देसी मीडिया का मेल्टडाउन भी तो देखना ही पड़ेगा ना। द प्रिंट कहता है कि यार 500 एडी के पहले तो मंदिर लोग मान भी लेते हैं कि 500 एडी के पहले मंदिर नहीं थे, तो इसका ये मतलब कैसे हुआ कि आज राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? 500 एडी के पहले तो मुसलमान भी नहीं थे, तो क्या पाकिस्तान को रहने का अधिकार नहीं है? इसको भी हटा देना चाहिए क्या? हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता। कुछ इंडिपेंडेंट लॉजिक, ये जो पेंडेमिक की बात हुई थी एंड ऑल दैट बुलशिट जो वो बंदी कर रही थी, आई मीन लाइक कम ऑन सीरियसली, लाइक समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्रेन सेल्स जो है ना वो कम हो रहे हैं ये वीडियोस देख देख कर। सीरियसली अगर आप देखो ना, अगर आप देखो तो ये दुनिया जो है वो बेवकूफ से बेवकूफ होती जा रही है, जितनी टेक्नोलॉजी ज्यादा होती जा रही है उतना ही लोग एक तो लेजी होते जा रहे हैं, उतने ही बेवकूफ होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि वो फॉलोअर बनना चाहते हैं, शीप मेंटेलिटी जिनकी होती है ना, वो एक ही चीज पे भागते हैं कि ये बोल दिया तो यही होगा, ऐसे ही होगा, इसी तरह यू नो नैरेटिव्स, और जिसका नैरेटिव स्ट्रांग है वो सर रियलिटी फैक्ट्स किसने देखने ही नहीं है, नोबडी वांट्स टू सी द रियलिटी, नोबडी वांट्स टू चेक द फैक्ट्स। बहुत पेट पे दर्द हो रहा है, ये जरा वो देखते हैं। केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार होने के बावजूद अगर राम मंदिर नहीं बना पाते हैं, ऑर्डिनेंस पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, बिल पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो फिर ये जरूर लोगों को लगता है कि आस्था नहीं है, सिर्फ 2019 के लिए सब कुछ चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है इसलिए राम मंदिर का शिगुफा छोड़ दिया जाता है, यही एक ऐसी बूटी है जो इलेक्शन में जीत दिलाएगी। ऑर्डिनेंस लाओ ना सर, राम मंदिर बनाइए, भव्य राम मंदिर हमारी आस्था का इशू है, हमको भव्य राम मंदिर देखना है सर, ऑर्डिनेंस लाइए ना। राम मंदिर बन रहा है ना, 20 करोड़ यूं डाल दो, राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ आपका सब सही हो जाएगा क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, सारे दुख खत्म हो जाएंगे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, महंगाई भी अपने आप ही भगवान कम कर लेंगे, अब राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ राम भरोसे। एक मिनट,
ये सीन दोबारा देखिए। राम मंदिर बन रहा है ना, 20 करोड़ यूं डाल दो। इस सीन को देख के आपको किसी दूसरे सीन की याद नहीं आती है? इस मेल्टडाउन में देखिए सिर्फ राम मंदिर वाला मेल्टडाउन नहीं है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी है कि भैया राम मंदिर बनने से इकोनॉमी ठीक हो जाएगी क्या? तो भाई दुनिया के सबसे भव्य और सबसे बड़े कैथीड्रल्स और चर्चेस यूरोप में हैं और वेस्टर्न यूरोप के सारे देश फुली डेवलप भी हैं, तो ये कैसे हो सकता है? इन मैडम के हिसाब से तो अगर आप रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स बनाइएगा तो आपकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। ये तो बड़ी कमाल की पहेली है, इसको कैसे सुलझाएंगे हम? बहुत बड़ी गड़बड़ है। और अगर डोमेस्टिक मीडिया का मेल्टडाउन हम कवर कर ही रहे हैं तो बवासीर कुमार को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। दिल्ली के एक मोहल्ले में जाकर देखने का इरादा किया कि आखिर उस भारत में ऐसा क्या नया हो गया है। एक रंग के पताकों और ध्वज को देखते हुए ट्विटर और फेसबुक पर पसरी तमाम आशंकाओं सवालों को याद करने लगा। हताशा में डूब चुके उन लोगों की थरथराती आवाज को महसूस करने निकल गया जो आज के भारत को लेकर चिंतित हो गए। मोदी कब राम मंदिर पर अपना भाषण देंगे? बहुत आसानी से गोदी मीडिया या बीजेपी का तंत्र उनके भाषण को राष्ट्रीय भाषण कह देगा। और जब किसी ने हमारे मीडिया वालों से बोला कि अगर राम मंदिर काशी मथुरा मुसलमानों ने हिंदुओं को वापस दे दिया तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में कितना भाईचारा बढ़ेगा, तो रिस्पांस देखिए जर्नलिस्ट का। वो एक जगह से बात निकलेगी तो कहां से कहां जाएगी? लोग ताजमहल में को तेजो महल है कहते हुए ताजमहल की भी बुनियाद खोदेंगे, कोई कुतुब मीनार की बुनियाद खोद रहा है। साक्षी महाराज का बयान आ गया था जामा मस्जिद के नीचे भी महादेव का मंदिर है। कोई और बीजेपी का सांसद और विधायक उठता है वो कहता है देश में तो इतने मंदिर है, उसकी लिस्ट लेकर आ जाता है। लौंडा गेम समझ गया वैसे। और ये डर जो है ना, ये डर अच्छा है। कुछ पॉलिटिशियंस का तो इतना लेवल का मेल्टडाउन हो गया है कि राम मंदिर बनने के लिए मुलायम सिंह को थैंक यू बोल रहे हैं। हाँ, वही मुलायम सिंह जिन्होंने राम मंदिर बनने से रोकने की पूरी जोर से कोशिश की थी, यहाँ तक कि कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई थी। यार उस हिसाब से तो इसराइल बनने का सारा क्रेडिट हमको हिटलर को देना चाहिए। फिर तो हमास की पेलम पेली का क्रेडिट भी हिटलर को ही मिलना चाहिए। और देखिए फिर हमने इंटरनेशनल मेल्टडाउन देखा है, हमने एनआरआई के ऊपर मेल्टडाउन देखा है, हमने इकोनॉमी के ऊपर मेल्टडाउन देखा है, एजुकेशन के ऊपर मेल्टडाउन देखा है, और अब आइए बैठ के जरा सेकुलरिज्म से रिलेटेड सारे मेल्टडाउन्स देखते हैं, जो कि आप तो जानते ही हैं कि आपके सीईओ की स्पेशलिटी है। आरफा जी के मुताबिक जिस इंडिया से वो प्यार करती थी वो इंडिया अब नहीं रहा, देश का सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम सचमुच आज पृथ्वी पे आ जाए 22 तारीख के बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद, दो चार सवाल मोदी जी को ही पूछेंगे, मेरे युवाओं का रोजगार कहाँ है, देश में इतनी महंगाई क्यों? ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स हैं, सेक्युलरिज्म खत्म हो गया, हमारा प्लूरलिस्टिक देश खत्म हो गया। कुछ लोग तो गांधी जी को कोट कर करके रो रहे हैं, बिल्कुल इस वाले सीन वाली फीलिंग आती है। कुछ लोग तो राम जन्मभूमि को क्राइम सीन बता रहे हैं, भारत की डेमोक्रेसी की जो मौत हुई है उसमें फाइनल नेल बता रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक इंडियन डेमोक्रेसी हार गई, इंडियन प्लूरलिज्म हार गया और इंडियन कम्युनलिज्म जीत गया। और देखिए गारंटी के साथ ये जो लोग आज भारत में डेमोक्रेसी का मातम मना रहे हैं, कम्युनलिज्म की जीत की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला को कंडेम नहीं किया, ब्लास्फेमी वाले कानून को कंडेम नहीं किया। गवर्नमेंट ने कैसे शाहबानो वाले केस में मुस्लिम औरतों को सपोर्ट करने के बजाय मुस्लिम पेट्रियार्की को सपोर्ट किया, उसको कंडेम नहीं किया। किस तरह मुसलमानों के पास बाकी देश के कंपैरिजन में अपने खुद के पर्सनल कानून हैं कि उनको देश के कानून नहीं फॉलो करने, वो अपने खुद के कानून फॉलो कर सकते हैं, इस तरह के अलगाववाद को उन्होंने कभी कंडेम नहीं किया। किस तरह मुस्लिम अपीजमेंट के लिए देश में आर्टिकल 370 लगाया गया था, किस तरह मुस्लिम अपीजमेंट के लिए आर्टिकल 29 और 30 में मुसलमानों को बाकी कम्युनिटीज के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा अधिकार दिए गए हैं, इन सब को कभी भी कंडेम नहीं किया गया। लेकिन आज डेमोक्रेसी की मौत हो गई और कम्युनलिज्म जीत गया। वाह, कुछ लोग तो भैया डिप्रेशन में चले गए राम मंदिर को देखकर। क्यों भाई, क्या हो गया? जरा इनसे आइए लाइव रिएक्शन लेते हैं। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिप्रेशन में अभी हैं। कोचिंग में डिप्रेशन में अभी कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे।
डिस्प्रेशन में है जी। ये अभी कह रहा है कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन में है, तो शुक्र मना ये अबॉर्शन में नहीं है ही बोले। कुछ लोग तो बेचारे इतने दुखी हो गए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का फोटो शेयर कर रहे हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश के फाउंडर्स ने ऐसा बनाया था जिसमें शुरू से श्रीराम बसे हुए थे, जिन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अपीजमेंट के लिए निकाला गया, जिसमें अपीजमेंट के लिए जबरदस्ती सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को घुसेड़ा गया। देखिए सच्चाई ये है कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो सेक्युलरवादी लोग हैं, उन्हें फैसिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें डिक्टेटरशिप से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें अथॉरिटेरियनिज्म से प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें अगर उनकी आइडियोलॉजी से मेल करती हैं तो चलेगा। फैसिज्म से डर नहीं लगता साहब, हिंदुइज्म से डर लगता है। बनर्जी बाबू देखिए क्या बोल रहे हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण एक लंबे अरसे से चलते आए चेष्टा का अंजाम है, लेकिन क्या अयोध्या के बाद काशी, उसके बाद मथुरा और फिर पता नहीं कहां कहां, क्या इसमें कोई डिबेट नहीं है कि इतिहास में गलत काम हुए हैं, लेकिन देश कब तक इतिहास को बदलने में जुटा रहेगा, बदला लेने में जुटा रहेगा, कितना खून खराबा और हम देखेंगे, कितना समय और इसमें जाएगा। ब्रदर ये तो वही बात हुई कि आप सवाल पूछ रहे हो कि आज रात होगी कल सुबह होगी कि नहीं। अरे भैया बिल्कुल लेंगे काशी और मथुरा। इसीलिए मैं सेक्युलर जीवियों को और बुद्धिजीवियों को कह रहा हूँ कि सारा का सारा मेल्टडाउन, सारी की सारी डिप्रेशन राम मंदिर पे वेस्ट मत करो, थोड़ा सा काशी और मथुरा के लिए भी बचा के रखो यार, ताकि ये वीडियो हम फिर दोबारा बनाए, थोड़ा सा जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो शारदा पीठ है वहां पर हम एक भव्य मंदिर बनवाएंगे, थोड़ा सा डिप्रेशन एनर्जी और मेल्टडाउन उसके लिए बचा के रखो। और जब मेल्टडाउन की बात हो रही है तो हमारे देश में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी बात तो करनी पड़ेगी ना। वो कहते हैं कि भाई रिलीजन जो है वो पर्सनल मैटर है। हाँ भाई देख लीजिए कैसे कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं ये रिलीजन को पॉलिटिक्स से बाहर रखते हुए आ रहे हैं थ्रू द डेकेड्स, और आज इसी पार्टी के लीडर हैं जो जय श्री राम बोलने वाले लोगों को पीटने की कोशिश कर रहे हैं अपने बस से निकल के। और देखिए ये लोग कितना भी मेल्टडाउन करें, इनकी कितनी भी जले, प्रॉब्लम है कि इनकी जो इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल पावर थी भारत के लोगों के ऊपर वो पावर अब बहुत कम हो गई है, क्योंकि हिंदुत्व की वजह से भारत ने अपने सिविलाइजेशनल आत्मा को वापस रीडिस्कवर कर लिया है। और इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं, मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से इसको मोदी जी ने एक्सप्लेन किया है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभू है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। देखिए जब भी भारत के लोगों से पहले पूछा जाता था कि यार इंडिया है क्या, इंडिया के बारे में स्पेशल क्या है, तो लोग बोलते हैं कि भाई सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, कई रिलीजन यहाँ पर साथ में रहते हैं, और भैया हमारी क्रिकेट टीम। लेकिन यार ये सारी चीजें तो दूसरे देशों के पास भी हैं। यूरोप में सेक्युलरिज्म है, अमेरिका में कई रिलीजन साथ में रहते हैं, अफ्रीका में कई देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, और भूखे नंगे भिखारिस्तान के पास भी क्रिकेट टीम है। इंडिया को क्या अलग बनाता है, व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडिया? सच्चाई ये है कि इंडिया का सिविलाइजेशन इंडिया को यूनिक बनाता है, वो सिविलाइजेशन इंडिया की आत्मा है। यूरोप, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, सबके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो अपने सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं और उसमें बहुत प्राउड महसूस करते हैं। भारत को डेकेड्स तक उस सिविलाइजेशन से अलग रखा गया था, लेकिन अब राम मंदिर मूवमेंट ने और हिंदुत्व मूवमेंट ने भारत के करोड़ों लोगों को फिर उनके सिविलाइजेशन से दोबारा जोड़ा है। भारत की सनातन सिविलाइजेशन भारत का सोल है, उसकी असली आइडेंटिटी है। और मोदी जी की स्पीच की तरह ही भारत अब अपनी पॉलिसीज भी अपनी सिविलाइजेशनल विजडम और नॉलेज के बेसिस पर तय कर रहा है, जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रेसिप्रोसिटी। मोदी जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं लेकिन अजमेर में चादर भी चढ़ाते हैं, क्रिसमस में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ दिन भी गुजारते हैं। हम अपने सनातन सिविलाइजेशन से प्यार करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इस सिविलाइजेशन में बाकी रिलीजन्स की जगह नहीं है, लेकिन ये जगह म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ही बनेगी। और पॉलिसी जैसे वीर भोग्या वसुंधरा, श्री कृष्ण और श्री राम ने हमें सिखाया है कि शिशुपाल के वध और रावण के वध की तरह हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर दुश्मन ने हम पर प्रहार किया तो हम उसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, घर में घुस कर मारेंगे। और जैसा श्रीराम ने किया था उसी तरह इंडिया भी
घर में घुस कर मारेगा। और पॉलिसीज जैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यूरोप में क्योंकि एब्राहमिक रिलीजन्स है, मिडिल ईस्ट में एब्राहमिक रिलीजन्स है, इसलिए साइंस को हमेशा रिलीजन से अलग रखना जरूरी है। लेकिन भारत में हजारों सालों से साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ में रहते हुए आए हैं। हमारे सबसे ब्रिलियंट साइंटिफिक माइंड्स हमेशा हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर से जुड़े हुए रहे हैं। और पॉलिसीज जैसे वसुधैव कुटुंबकम, जब यूरोप, इस्लामिक देश और चाइना ताकतवर होते हैं तो दूसरे देशों का घाटा होता है, वो दूसरे देशों को दबाते हैं। लेकिन भारत जब ताकतवर बनेगा तो सबका भला करेगा। भारत जैसा डेवलपिंग देश पूरी दुनिया में वैक्सीन बांट रहा था। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को चाइना की तरह डेट में नहीं फंसाया। जब भारत के पास पावर था तो सबसे पहला कदम उठाया कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया। और राम मंदिर का हिंदुत्व मूवमेंट का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो भारत के लिए रहा है, जो भारत के कल्चर का, सिविलाइजेशन का फेस बदल सकता है, वो है कि राम मंदिर मूवमेंट ने और हिंदुत्व मूवमेंट ने हिंदुइज्म को कूल बनाया। हिंदुत्व इज द न्यू पंक रॉक। पंक रॉक की तरह ही हिंदुत्व एजी है, बोल्ड है, कूल है, और यंग लोग अब इससे एसोसिएट करना चाहते हैं। एक समय था जब यंग लोग ची गुवारा के टी-शर्ट्स पहनते थे, कम्युनिज्म कूल था, गंगा जमनी तहजीब कूल था। इसके बावजूद कि गंगा जमनी तहजीब ने इंडिया की फेक सेक्युलरिज्म ने इंडिया का पार्टीशन करवाया, गंगा जमनी तहजीब की वजह से भारत के हर एक स्टेट में मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, नो गो जोन है जहां पर आप जाइएगा और अगर भगवा झंडा दिखाइएगा या पूजा करने की कोशिश कीजिएगा तो आपके ऊपर पथराव किया जाएगा। हिंदुइज्म ने इस आइडियोलॉजी को एक्सपोज किया है और अब सिर्फ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, लेकिन यंग मिलेनियल्स और यंग जेन जी के लोग ओपनली हिंदुत्व को अपना रहे हैं। चे गुवारा की जगह श्रीराम की टी शर्ट पहन रहे हैं, जो कि आप खरीद सकते हैं राम शर्मा शो के मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके। हमारे रामायण एडिशन के शर्ट्स को जरूर चेकआउट करें। क्या सीमलेस एड डाला है, देखा आपने? कोई तरीका है भीख मांगने का? हिंदुत्व अब कूल है, इसलिए कई ऐसे लोग जो कुछ सालों पहले बहुत ही एंटी हिंदू और एंटी हिंदुत्व हुआ करते थे, वो भी अब हिंदुत्व को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अमित शांडिल्य जैसे लोग, वो खुद ट्वीट कर रहे हैं कि कैसे पिछले 4 सालों में उनमें बदलाव आया है। शाह फैजल, जो कितना एंटी इंडिया हुआ करता था, आज आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को सपोर्ट कर रहा है। सेम स्टोरी विद शेला राशिद। You know, really impressed by how the government of India has handled the whole Kashmir situation. I've said a lot of things about the BJP. I've said a lot of things about the PM, the HM. I've realized that the Honorable Prime Minister, the Home Minister, they are really selfless people who only care about the national interest. Twitter पे कुछ celebrities हैं जो एक समय पे anti-Hindu jokes मारा करते थे, आज कितने प्रो हिंदुत्व बन गए हैं। प्रोमिनेंट क्रिकेटर्स की यही स्टोरी है, जो एक समय पे पूजा पाठ को अनकूल माना करते थे, आज देखिए मंदिर से मंदिर ही घूम रहे हैं बस। मेडिटेशन थ्रू मूवीज, सम ऑथर, सम पूजा पाठ, काइंड ऑफ दिस दैट हेल्प्स यू बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर। व्हाइल ऑफ द पूजा पाठ जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं इससे आगे कुछ नहीं पूछ सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है। साउथ दिल्ली जैसे पॉश एरियाज में जो लोग रिलीजन का, हिंदुइज्म का मजाक उड़ाते थे, वो पूरा एरिया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सेलिब्रेशन में भगवा ध्वजों से भरा हुआ है। और देखिए हिंदुत्व ने क्या अचीव कर लिया है कि फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर के इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने इतने समय तक सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट किया है, वो आज देखिए क्या कर रहे हैं। मेरे राम। अक्षय कुमार ने कहा था ना, अरे भैया मोदी है तो मुमकिन है का और कितना प्रूफ चाहिए आपको। और इसलिए मैं इतना थैंकफुल हूँ राम मंदिर मूवमेंट का, राम मंदिर का और हिंदुत्व मूवमेंट का। उसने हमारे देश में एक फंडामेंटल माइंडसेट का चेंज लाया है। हिंदुत्व अब कूल है, हमारा सिविलाइजेशन अब कूल है, हमारे सिविलाइजेशन को एक ब्रॉड एक्सेप्टेंस मिली है इस मूवमेंट की वजह से, और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहला क्वेश्चन, आपका फेवरेट मेल्टडाउन कौन सा था, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और दूसरा, आपने प्राण प्रतिष्ठा के दिन कैसे सेलिब्रेट किया, वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं। All right, guys, what a fun video. यार जोक्स चंद जोक्स बड़े जबरदस्त थे, अरे लाइक सरल तरीके से जाते हैं ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं बिल्कुल बीच में, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, एकदम से आ जाता है। मेरे साथ भी ये होता है कभी कभार। कहां से मैं शुरू करूं? ओके, सो
देखिए मैंने इस चीज पे पहले ही replied to this before कि meltdown तो होगा ही, फिर वही बात आती है ना, मगर जो लोग कर रहे हैं meltdown उनको भी देखना चाहिए, right? कि what are they talking about? क्या ये चीज comparable है कि नहीं है, यानी वही ना, आप एक apple को apple के साथ compare कर सकते हो, orange को orange के साथ compare कर सकते हो, तो then it is okay. अब मैं US को या Canada को compare करूंगी तो it doesn't make sense, उनकी population ही इतनी है, हाँ growth होगी मगर you can't compare them, honestly. It's just not on the same level. So, इसी तरीके से जब पाकिस्तान कंपेयर करता है इंडिया के साथ, you know, second thing जो ये civilization के बारे में बातें कर रहे थे, तो देखिए जो secular countries हैं, उनकी बात अगर आप करें, यूरोप को आप देख लो, आपने यूरोप का नाम लिया, या you know, North America को देख लो, तो इनकी civilization आप कह सकते हो थी, जो पहले सिविलाइजेशंस यहाँ रहती थी जो नेटिव इंडियंस थे उनको तो इन्होंने यू नो खत्म ही कर दिया, दे टुक द लैंड ओवर, अगर आप इस तरीके से बात करो तो, इवन चलो यू नो बीइंग एन अमेरिकन या बीइंग ए यूरोपियन जो था एक पहचान होती थी उनकी, अब उसको बुरे तरीके से देखा जाता है, नेशनलिज्म को इज लुक्ड डाउन अपॉन इन दीज कंट्रीज, तो एंड आई थिंक उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो हिटलर था, because he was a nationalist and stuff. So, इस वजह से इस चीज को बुरे तरीके से देखा जाता है. You can, I think, being a patriot, जैसे कि मैं Canada को कहती हूँ कि हाँ, Canada is a good country. Even though problems हैं यहाँ पर, problems हर country में होती हैं. But I'm proud to say कि you know, I'm Canadian. तो इस तरीके से जैसे कि Donald Trump आया था, तो उसने आके वो जो I'm proud to be an American. American can be anybody. आप brown भी हो सकते हो, Chinese भी हो सकते हो, आप whatever, right? वो चीज आइडेंटिटी उनसे छीनी जा रही है, दे यू नो पीपल लाइक टू से आई एम प्राउड टू बी अमेरिकन, अब वो रेसिज्म हो गया है, तो ये कंट्रीज जो हैं ये एक्चुअली अपनी जो इनकी थी कल्चर या जो सिविलाइजेशन जो भी चीज थी उसको जो है चेंज किया जा रहा है. अब इसकी बड़ी एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पर पहले फॉर एग्जाम्पल इन कंट्रीज में मैरी क्रिसमस कहा जाता था, राइट? ये क्रिश्चियन कंट्रीज थी, लोग कहेंगे कि नहीं सेक्युलरिज्म कंट्री थी वट एवर, मगर यहाँ पर ज्यादातर क्रिश्चियंस ही रहते थे, मगर इट्स क्रिसमस जो है मैरी क्रिसमस बोलने से कुछ नहीं हो जाता है, मगर यहाँ पर लोगों ने चेंज करवाया बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए, अब उन्होंने वो चेंज किया है टू सूट बेटर फॉर एवरी वन, राइट? तो इस तरीके से उनकी जो एक ट्रेडिशन चलती आ रही थी वो ब्रेक हुई एंड इट्स चेंज्ड एंड इट्स गोइंग टू चेंज फर्दर. इसी तरह से छोटे छोटी 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 चेंजेस अकोमोडेट करने के लिए वो कल्चर में भी आ रही हैं, लॉज में भी आ रही हैं, राइट? और जैसे कि उन्होंने बात की कि यू नो लॉज जो हैं हमेशा डिफरेंट हैं, आई डोंट नो व्हाई. तो अगर पाकिस्तान को आप उठा लो या किसी भी मुसलमान कंट्री को आप उठा लो तो उनकी कंट्रीज में उनके लॉज हैं और उनको कभी कोई जो है जितने लोग दिखा रहे थे कभी कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, स्पेशल के जो लेफ्ट के जो बहुत ही सेक्युलरिज्म बहुत ही लेफ्ट के सुपर लेफ्ट के लोग हैं दे विल नेवर क्रिटिसाइज इट, क्योंकि सऊदी अरब जो है अब चेंज हो गया उसकी एग्जांपल इतनी, मगर मोस्टली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को आप देख लो तो वो अपने गवर्नमेंट में बाहर के लोगों को नहीं आने देते हैं. कितने अरसे तक आप इन कंट्रीज में कोई आप उठा लो कतर हो जाए सऊदी अरब हो जाए इन जगहों पर आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे, आप बिजनेस नहीं खोल सकते थे, यू कुडंट डू एनीथिंग इन दोस कंट्रीज. अभी तक वो रेफ्यूजीज भी नहीं लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि क्या होना है, राइट? हमारी कंट्री का लोग आएंगे चेंज करेंगे एंड देन इट्स गोइंग टू चेंज एवरीथिंग फॉर देम. इसी तरह से यहाँ पर भी चीजें चेंज हो रही हैं, यू नो के यहाँ पर यहाँ पर लोग आ गए जो कहते हैं महलीश तुम ये ऐसे लाइन दिखा के क्यों बैठी हो, राइट? ये अब वो कल्चर शिफ्ट जो कहते हैं ना आप वो दोबारा से आ रहे. वैसे अगर आप इंडिया को देखो आपका भी कल्चर चेंज हुआ है, जब से मुगल आए और मुसलमान आए वहां पर टेक ओवर किया तो आपका भी कल्चर चेंज हुआ है. यू नो होपफुली आप लोग उस जमाने में जा सको व्हेन इंडिया आई वुड से वाज वेरी सेक्युलर, हिंदुइज्म वाज वेरी सेक्युलर एंड स्टफ एंड दिस इज राइट कि आपके उसमें स्पिरिचुअलिटी भी है. I see the meditation part. I see the yoga part. I might not agree with every ideology of Hinduism. मैं हर चीज से नहीं करती हूँ. Like I am agnostic, you know. So certain things I don't believe in. मगर जहाँ पर spirituality की बात आती है, तो अगर if I want to, let's say, connect and do spirituality या जैसे कहते हैं ना karma somewhat, या आप कह सकते हो कि positive energy, throwing positive mindset. इन द प्लेनेट जैसे मैं उस चीज में आई बिलीव करती हूँ कि आप अच्छा सोचोगे अपना माइंड सेट एक चीज पे लगाओगे तो पावर ऑफ यूनिवर्स जो होते हैं ना वो यूनिवर्स आपको देगी. तो वट एवर दैट थिंग इज आई कैन एक्चुअली फाइंड दैट इन योर इन हिंदुइज्म या सनातन धर्म जिसको आप कहते हैं एंड आई कैन रिलेट टू इट, राइट? तो इट आई थिंक हैज
little bit for everyone. So I hope I समझा सक रही हूँ आप लोगों को. यानी कि अगर कोई बंदा स्पिरिचुअल है तो वो हिंदुइज्म के उस पार्ट को करके ना उसमें वो अडॉप्ट कर सकता है. अगर आपको ज्यादातर योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप उस पार्ट को पकड़ के खड़े हो सकते हो. अगर आप यूनिवर्स पे थ्रोइंग आउट इन द यूनिवर्स एंड ऑल दिस में उस पे होते हो, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो. आप एस्ट्रोलॉजी में हो तो देयर इज बिग पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन हिंदुइज्म सनातन धर्म, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, राइट. एंड इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद दिस यू नो सुपर बींग या जो भी है, तो देन यू कैन कनेक्ट टू इट विद दैट थिंग, राइट. आई एम जस्ट सेइंग दैट आई थिंक इट हैज समथिंग फॉर एवरीवन. और ये बात तो देखनी पड़ेगी कि हाँ जी, आपके ऊपर मुसलमानों ने कब से कब्जा करके बैठे थे, आपके पास कब से आके यहाँ पे बैठे हुए थे, बट यू स्टिल सर्वाइव्ड. क्योंकि अगर अब देखा जाए तो हमारे बेचारे जो ज़ोरास्ट्रियंस थे वो कितने बचे हैं. अब आप देखो ना, उनके ऊपर ईरान में हमला किया, लाइक यू नो अफगानिस्तान में आप देखो, दे लॉस्ट देयर कल्चर, दे लॉस्ट एवरीथिंग. और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन बीन टेकिंग ओवर, मगर आप लोग कब से लड़ रहे हो, तो आई हैव टू गिव यू अ हैंड्स अप फॉर दैट वन, यू नो. I think personally के ये मुझे जहां तक लगता है, मेरे उसमें, मेरे पर्सनल व्यू में, आप मुझे डिसएग्री कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मगर पर्सनली मैं ये देख रही हूँ कि ये जो राम मंदिर था और इसको इतना हाइप करके जितना इसको करा है, चाहे वो पॉजिटिव न्यूज हो या नेगेटिव न्यूज हो, मैं एक ऐसी गारंटी आपको ये देती हूँ कि जितना इन लोगों ने राम मंदिर पे लगाया हुआ है, उसका ट्रिपल या क्वाड्रुपल जो है आप टूरिज्म में इंडिया में आता हुआ देखोगे. ये मेरा बात लिख लो, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी हैज सो मच टू शो, और वहां पे ट्रैवल टूरिज्म इज अ ह्यूज थिंग. लोग जाना चाहते हैं, इंडिया जाके घूमते हैं, वहां पे पैसा आता है. तो जब पाकिस्तान ये चीजें कंपेयर कर रहे होते हो ना, आप लोगों के पास भी वो चीजें हैं, ओके. आप लोगों का नॉर्दर्न पास सवात और हुंजा वैली और ये सारी जगह, नथिया गली, इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है, मगर वहां कौन जाएगा, कौन जाता है वहां पे, कौन सा गोरा जाता है वहां देखने के लिए, क्योंकि आप उसी को अगवा लेकर के ले जाओगे, उसका सरतन से जुदा ना कर दो आप, राइट. सो आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई ऐसा है वहां पर, पाकिस्तानी लोग हॉस्पिटल में बहुत होते हैं, यू नो, मगर सर फिरा कोई भी मिल सकता है आपको. वेयर एज इंडिया इज नोन, यू नो, गोवा इज नोन फॉर टूरिज्म, आपके वहां पे शिमला है, लेकिन सो मच इज देयर टू ऑफर. और ये जो है अब और भी लेकर आएगा, और मैं फिर वही कह रही हूँ ना, ये इस वजह से नहीं लेकर आएगा कि किसी ने आकर वहां पे खुदा पे बिलीव करना है या आफ्टर पे बिलीव करना, ऐसे भी लोग आए. अगर somebody that is spiritual will maybe go up there, somebody that is interested in astrology will go up there, somebody that like me, जो मुझे जो है आर्किटेक्चर देखने का बड़ा शौक है, जो पुरानी जो हिस्टोरिकल जगह है वो देखने का शौक है, तो आई वुड गो देयर फॉर दैट. इंडिया में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आई डू वांट टू गो, आई वांट टू सी द गोल्डन टेम्पल, आई वांट टू गो सी ताजमहल, इवन दो व्हाटएवर, यू नो, ये सारी हिस्टोरिक प्लेसेस, आई वांट टू सी द कौन से खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, ये सारी चीजें मुझे शौक है कि मैं इंडिया जब जाऊं तो ये सारी चीजें मेरी लिस्ट में हैं दैट आई वुड लाइक टू गो एंड सी. तो इट्स समथिंग दैट इज गोइंग टू ड्राइव ट्रैफिक, इट्स समथिंग दैट इज जिसमें से कोई ना कोई पॉजिटिव चीज निकल कर आएगी, आप मेरे लिख लो, यू नो. ऐसे ही करके इतना पैसा नहीं लगा दिया वहां पर, जस्ट रिमेम्बर दैट के as much as you want to agree with Modi ji ya nahi karo, right, aapke samne numbers hain, India kahan pahunch raha hai aur unka vision jo hai, he's focusing on that vision aur wo wahan tak pahunchega. aap mujhe bol do main Modi bhakt hu ya main jo tani ho gayi hu ya main ye ho gayi hu main sunni ho gayi whatever, but the fact remains ke wo upar wo banda leke gaya hai, to wo banda stupid decisions to leni nahi hai unhone. जब वो किसी चीज पे एक डॉलर लगा रहे हैं या एक रुपया लगा रहे हैं, तो उनको पता है कि उसमें से मुझे 5 रुपए वापस मिलेंगे, राइट. सो फ्यूचर विल ओनली टेल, आगे देखते हैं क्या होता है. एनीवेज, आज की वीडियो के लिए इतनी बकबक काफी है. इसके अलावा इस कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज आप बताएं कि कौन से वीडियोज आप चाहते हो जिनका मैं रिव्यू करूं या जिन टॉपिक्स में मैं बात करूं. योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा. उसके अलावा इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. उसके अलावा YouTube की सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लीज मेंबर बनिए, मेंबर्स के लिए बेनिफिट्स हैं, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अलावा PayPal, OnlyFans या Patreon के भी मेंबर बन सकते हैं. एंड यू ऑल्सो हैव सब्सक्रिप्शन ऑन Instagram और Facebook, यानी यू हैव सो मेनी वेज टू सपोर्ट मी. आपकी सपोर्ट से ये चैनल चलता है और मैं इससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकती हूँ. अगर आप वैसे नहीं कर सकते, शेयर तो कर ही सकते हो ना यार, तो शेयर कर देना. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है.